नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बने ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना आधिकारिक उम्मीदवार चुन लिया है। ओहायो के क्विडलैंड में चल रहे रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना। उम्मीदवारी हासिल करने के बाद उन्होंने चुनाव जीतने का वादा करते हुए कहा कि अमेरिका में नौकरियों के अवसर बढ़ाना, सेना को मजबूत करना और सीमा चौकसी बढ़ाना, कानून एवं व्यवस्था बहाल करना उनकी प्राथमिकता होगी। बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार हाशिम अंसारी का निधन। बाबरी मस्जिद विवाद के मुद्दे हाशिम अंसारी का बुधवार सुबह अयोध्या में निधन हो गया। वे 96 वर्ष के थे। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सन 1949 से लेकर तकरीबन 60 सालों से वे बाबरी मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे थे। हाशिम अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते थे। मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या में तनाव रहने के बावजूद वहाँ लोगों से शांति की अपील करते थे। उनका हिंदू और मुसलमान दोनों में बराबर का सम्मान था। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे मोहम्मद हाशिम अंसारी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। यादव ने कहा कि उनके निधन से वह काफी आहत हुए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। टॉप 10 क्रिमिनल ऑफ वर्ल्ड की सूची में पीएम मोदी को दिखाया गूगल को नोटिस। टॉप 10 क्रिमिनल ऑफ वर्ल्ड की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो न हटाने पर अदालत ने सर्च इंजन गूगल के संस्थापक सीईओ और इंडिया हेड को नोटिस जारी किया है। भाजपा नेता सुशील मिश्र ने सेशन कोर्ट में पेश की अर्जी में कहा कि गूगल ने टॉप 10 क्रिमिनल ऑफ वर्ल्ड की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो डाल दी थी। मामला प्रकाश में आने के बाद गूगल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर माफी मांग ली थी। गूगल संस्थापक लैरी पेज का माफीनामा भी गूगल के सर्च इंजन पर पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक कंपनी ने प्रधानमंत्री की फोटो नहीं हटाई। इससे देश दुनिया में उनकी छवि धूमिल हो रही है। अर्जी को स्वीकार करते हुए प्रभारी जज मेहताब अहमद ने गूगल सर्च इंजन मल्टीनेशनल कैलिफोर्निया के संस्थापक लैरी पेज, सीईओ सुंदर पिचई, इंडिया हेड राजन के खिलाफ नोटिस जारी किया है।